नहीं भाई, योगा विद जैकलीन और विद रवि शास्त्री. जैकलीन जैकलीन बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल. हर दोस्तों के ग्रुप में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो कि हमेशा कुछ उटपटांग करता रहता है. अगर सिंपली बोले तो हर ग्रुप में एक जोकर होता है. इसी तरह इंडियन क्रिकेट टीम में भी एक जोकर है, चहल. और वो भी ऐसा कि कब मैच का रुख बदल दे पता ही नहीं चलता. तो चलो यार देखते हैं ऐसे ही चहल के कुछ फनी वीडियोस. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर. साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं. अब बोलने को कुछ बचा नहीं है. कोई भरे बाजार में किसी विदेशी से ऐसे गाली खा जाए, वो भी हिंदी में. खैर ये तो एक मजाक था. तो चहल ने उसके बाद तुरंत ही कमबैक किया. So, कैसे लग रहा है आपको? Can you speak English, please? No, I don't know how to speak English. You just did. You're Gupta ji. अब ये क्लिप एक शो की है जब करण वाही ने चहल को तिल्ली नाम से इंट्रोड्यूस किया. You all saw कि आज खुराफाती गेस्ट हमारा जो है यानी कि तिल्ली AKA युजवेंदर चहल. भाई ये मतलब नाम ही दम है, शरीर में जाओ. दिखलाना है वहाँ पब्लिक के पत्थर मारेगी पत्थर भागेगा बचकर कैसे तू लाला तेरे बहुत नाटक बाजू में है रेल फाटक फाटक. अब बंदे ने सोचा कि बात चल ही रहा है तो तिल्ली नाम क्यों पड़ा ये भी पूछ ही लेते हैं. तो इस पे चहल भाई का एकदम खतरनाक रिप्लाई आया. देखिए यार मतलब हमारा यहाँ ना तिल्ली उसको कहते हैं जो मतलब हर जगह आग लगा देता. तो तू नारायण है या तू तिल्ली इसलिए बोलते हैं तुझे? तिल्ली अपने वो है जहाँ मौका मिले वहाँ चुपके से आग लगा दी, बाकी बुझाते रहेंगे. और ये कहाँ कहाँ आग लगा रहे हो तुम? बस अभी तो ग्राउंड पे लगा रहा. बात भी सही है, फील्ड में तो आग लगाए ही हुए हैं, साथ में इंटरव्यू में भी आग लगाए हुए हैं. अब जैसा कि यही क्लिप देख लो जब चहल और कुलदीप साथ में थे. आपने एक बार कहा था कि आप लड़कियों से जब मिलते हो तो बड़े शाय हो. इनका पता नहीं है मेरे को क्योंकि चाइनामैन टाइप के जो लोग होते हैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या करने वाले. ये अगर शाय है तो फिर इसकी शायनेस तो फिर मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता. नहीं एक्चुअली मैं आप किसी भी लड़की से मिलो पहली बार तो आप बात नहीं कर सकते ना. ऑब्वियसली अब हर कोई हार्दिक थोड़ी है. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? थोड़ा तो शाय फील करते हैं पर उसके बाद एक दो दिन लगते हैं बात अगर किसी से भी करो तो. फिर उसके बाद नॉर्मल जैसे चहल बात करता है मेरा उसको तो ज्यादा टाइम लगता है, 8-9 दिन लग जाते हैं करते करते. तो ऐसे ही होता है. अबे साले कोई सेंस है इस बात की? चहल भी लाइक अबे चलना अपना देखना, मेरा तो अब सब कुछ सेट है. तो अब अगला फनी क्लिप है जब मैच के बाद चहल रोहित और कुलदीप का इंटरव्यू ले रहे थे चहल टीवी के लिए. मैं बोलना ये चाह रहा हूँ चहल ज्यादा आपको माइक नहीं पकड़ना, आपको बॉल पकड़ना है. बट अभी हम देखेंगे बहुत जल्दी चहल को अपने असली अवतार में बॉल डालते हुए और स्लिप में मैं ही कैच पकड़ूंगा. बिल्कुल जल्दी मिलेगा आपको न्यूजीलैंड में. नोटी बाय दौड़ चल के दिखाओ. अगर देखा जाए तो इस लॉकडाउन वाले समय में सब अपना अपना शो शुरू करके बैठे हुए थे इंस्टाग्राम लाइव पर. तो ऐसे ही एक इंस्टाग्राम लाइव पर चहल से उनके हेयर स्टाइल के बारे में पूछा गया. तो टेल मी वन थिंग, ये हेयर स्टाइल का नाम क्या है? ये हेयर स्टाइल का नाम है कि ज्यादा छोटे ना हो ज्यादा बड़े ना हो बस. वैसे देखा जाए तो हेयर स्टाइल का नाम तो सही था. तो इसी लाइव सेशन में कुछ और भी फनी मोमेंट्स थे. मॉर्निंग आई हैड हेयर कट, देन आई प्लेड कॉल ऑफ ड्यूटी, देन आई स्लेप्ट, देन आई हैड मसाज, दैट्स इट. नाउ आई विल वॉच द मैच. नाइस नाइस. बट आपने क्या किया मेरा दिमाग खाने के अलावा? मैं धोखे से निकल गई आज के? मैं मरी जाऊंगा भगवान. अगली क्लिप है ब्रेकफास्ट विद चैंपियन की जब चहल वहाँ पे एज ए गेस्ट गए थे और उनसे पूछा गया था कि वो क्या खाएंगे. थैंक यू. देखो भाई क्या खाओगे, कुछ खाना भी चाहिए. बटर चिकन गार्लिक नान का. ये तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब बटर चिकन एक टाइम तो बनता है ना? मत पड़ो ये रटा हुआ है. अगर बात करें तो जहाँ पे चहल हो और वहाँ पे मस्ती मजाक ना हो ऐसा हो नहीं सकता है. तो उसी शो में किसी ने जब बीच में आके इंटरप्ट किया और बोला कि मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ ना, तो उस पे चहल का रिएक्शन कुछ ऐसा था. टेक केयर. डिस्टर्ब कर रहा हूँ? नहीं नो, वी विल जस्ट कैरी ऑन. आफ्टर यू लीव वी विल कैरी ऑन, नो प्रॉब्लम. एंड टॉक टू मी. ओके, वी विल डू दैट. रेडी?
तो कह रहे डिस्टर्ब कर रहे भाई, पक्का कर रहे, पूछ नहीं क्या बात है। इनका मजाक मस्ती किसी शो तक ही लिमिट नहीं रहता है, वो हमेशा किसी के इंस्टाग्राम लाइव पे जाके भी उनके साथ मस्ती किया करते थे। तो इसी तरह से जब कोहली और सुनील छेत्री इंस्टाग्राम लाइव पे थे तो वहाँ पे भी चहल ने जाके कुछ मस्ती किया, तो इस पे कोहली का रिएक्शन कुछ ऐसा रहा। लो जी चहल यहाँ भी आ गए, हेलो भैया फ्रॉम होम, ये नहीं मानेगा। अबे भाई मान जा भाई, तुझे हर जगह घुसना है, कोई बात कर रहा हो बीच में इसका कमेंट जरूर आए। अद्दी हो भाई, ये जिस दिन ये चीजें नॉर्मल हुई ना, ये भागता ही दिखेगा रोडों पे, इसके घर नहीं आना वापस, ये भागेगा सिर्फ टिकटॉक ऑन करके। अरे मेरे, आर यू कॉमेडी मी? तो अब बात करें तो ये है पिछले वीडियोस के टॉप कमेंट्स, तो आप लोगों को भाई दिल से थैंक यू। तो चलो अब सब लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ अपना फेवरेट पार्ट, और हाँ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।